पीएम नरेंद्र मोदी ने हम फिटनेस हैं तो इंडिया फिट है मुहिम के तहत कुछ दिन पहले पीएम मोदी को क्रिकेटर विराट कोहली ने फिटनेस चैलेंज दिया था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या फिटनेस वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर देश को फिट बनाया जा सकता है? सवाल ये भी है, देश में कई ऐसे मुद्दे हैं, अगर उनके प्रति फिटनेस मुहिम की तरह एक आंदोलन छिड़ा जाए तो आज देश के तमाम मुद्दे हल हो सकते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान भी एक मुहिम थी जिसने देश को एक नई सोच दी। आज लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कर्नाटक के सीएम कुमार स्वामी को फिटनेस चैलेंज दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे फिटनेस चैलेंज के तहत कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल विजेता मनका बत्रा को चुनते हुए खुशी हो रही है। इसमें उन्होंने 40 साल से ऊपर के आईपीएस अधिकारियों को भी जोड़ा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पीएम मोदी रोज की तरह अपनी फिटनेस को दुरुस्त करने में लगे हैं और इसी बहाने उन्होंने कर्नाटक के सीएम कुमार स्वामी को फिटनेस चैलेंज दे दिया। कुमार स्वामी ने पलट का जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले मुझे अपने राज्य को फिट करना है। जिस तरह कुमार स्वामी ने पीएम मोदी को जवाब दिया है उससे तो ये साबित हो जाता है कि मोदी जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। भारत फिट तो रह लेगा मगर पेट में रोटी नहीं जाएगी तो कैसे फिट रहेगा। SPN 9 News Room की रिपोर्ट।